हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टैंड अप क्लासेस। सो स्टूडेंट्स, आज से आपके ने भी SSR और AA के एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं 10 बजे से, और साथ में जो है आपको मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक आपके एग्ज़ाम के लिए। जाइए और अपने एग्ज़ाम में जो है सबसे बेस्ट करके आइए। स्टैंड अप क्लासेस का नाम रोशन कीजिए, अपने माता पिता का नाम रोशन कीजिए, नौकरी पाइए और अपने देश के हित में कुछ बेहतर करके दिखाइए। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि आप लोग काफ़ी समय से जो है कमेंट कर रहे थे, सर एक वीडियो प्रोवाइड करा दीजिए। अभी भी हम लोग जो है डॉक्यूमेंट को लेकर के परेशान हैं कि क्या लेकर के जाएं और क्या लेकर के नहीं जाएं, और कुछ एग्जाम टिप्स भी दे दीजिए जिससे हम लोग एग्जाम में बेहतर कर सकें। सो इसीलिए ये वीडियो मैंने आपको प्रोवाइड किया है। तो चलिए आइए, सबसे पहले तो कुछ बात कर लेते हैं आपके जो है एग्ज़ाम टिप्स को लेकर के। तो सबसे पहला तो टिप आपको मैं ये देना चाहूँगा स्टूडेंट्स की, प्लीज़ अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो भूल कर भी उसे टच मत कीजिएगा, वरना बाद में परेशानी हो जाएगी, 0.25 मार्क्स तुरंत कट जाएगा, ठीक है। और साथ में मैं आपको बता दूं, जो क्वेश्चन आपको आता है 100% श्योर है उसे तो आप बिल्कुल मत छोड़िएगा, 100% उसे करके आइएगा और बेहतर प्रदर्शन कीजिएगा, ठीक है। और साथ में यहाँ जो आपका एडमिट कार्ड है इस पर आप लोग अपना एक फ़ोटो लगा लीजिएगा रंगीन, और यहाँ जो है सेम सिग्नेचर कर लीजिएगा जो यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। और साथ में जो आपका रिपोर्टिंग टाइम है, जितने बजे से आपका एग्ज़ाम है, रिपोर्टिंग टाइम से 10 मिनट पहले ही पहुँचिएगा, लेट मत पहुँचिएगा, समय से पहुँचिए, ठीक है। पहले निकलिए घर से और जाइए, बेहतर कीजिए एग्ज़ाम में। और साथ में डॉक्यूमेंट्स को लेकर के मैं आपका डाउट क्लियर कर देता हूँ और कुछ एग्ज़ाम टिप्स भी दे देता हूँ जिसे फॉलोअप करना है। और मैं अभी जो है कम्युनिटी पोस्ट कर दूंगा, आप लोग जब एग्ज़ाम देखने निकलिएगा तो वहाँ क्वेश्चन बता दीजिएगा कौन कौन सा क्वेश्चन आया था, ताकि मैं आपको जो है वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा आपके सॉल्यूशन के साथ में, क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के साथ में, ठीक है। सो आइए चलिए सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स की बात कर लेते हैं, क्या लेकर के जाना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक बार ये वाला जो है आप लोग देख लीजिए, अभ्यर्थी को अपना हॉल टिकट परीक्षा केंद्र पर लाना आवश्यक है, बिना हॉल टिकट किसी भी अभ्यर्थी को प्रवेश की अनुमति नहीं है। तो भूलकर भी आप लोग अपने एडमिट कार्ड मत भूलिएगा। और साथ में अभ्यर्थी को कक्षा 10वीं 12वीं की फोटो सहित प्रमाण पत्र, फोटो सहित निवास प्रमाण पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड और आधार कार्ड आदि में से कोई एक फोटो पहचान पत्र ले जाना अनिवार्य है। ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया के दौरान उद्धृत किया था जो उन्होंने, उसे लाना अनिवार्य है। तो देखिए, आप लोगों ने जब ऑनलाइन फॉर्म भरा होगा उस समय आपको एक फ़ोटो आईडी मांगा होगा, फोटो आईडी में आपका जो है या तो हाई स्कूल का या फिर इंटर का फोटो सहित प्रमाण पत्र मांगा होगा, या फिर जो है आपका निवास प्रमाण पत्र या फिर DL या फिर जो है पैन कार्ड मांगा होगा। तो इसमें से जो भी अगर आपने दिया होगा तो वो अपने साथ जरूर लेकर के जाइएगा। अगर आपने फ़ोटो आईडी नहीं दिया है, फ़ोटो आईडी के तौर पे आधार दिया है, तो अपना आधार जरूर लेकर के जाइएगा। और साथ में एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, जो लोग अपना फ़ोटो आईडी दिए हैं, सपोज डैट उन्होंने किसी ने जो है 10वीं की मार्कशीट दे दी है, मतलब कि सर्टिफिकेट के साथ में, तो वो अपने साथ में अपना एक बार जो है आधार कार्ड जरूर लेके जाइएगा, आधार कार्ड अपना मत भूलिएगा, ठीक है। हमेशा साथ में आधार कार्ड रखना चाहिए, आधार कार्ड जरूर ले जाइएगा। और अगर जो है बात कर लें हम लोग अपना पहचान पत्र का विवरण परीक्षा के समय लाएगा, प्रमाण पत्र के अनुसार नहीं होगा तो अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने नहीं दिया जाएगा और उम्मीदवारी को रद्द समझा जाएगा। तो किसी भी जो है रॉन्ग इन्फॉर्मेशन किसी प्रकार का अगर आपने प्रोवाइड किया है तो प्लीज़ जो है एग्ज़ाम सेंटर पर जाने की अनुमति नहीं है आपको। आप देख ही रहे हैं कि जो है तुरंत बाहर कर दिया जाएगा अगर कोई भी जो है मिस एरर पाया जाएगा, मतलब आपके एडमिट कार्ड में कुछ और हो और डॉक्यूमेंट में कुछ और हो, तो ऐसी गलती मत कीजिएगा, ठीक है। और साथ में कुछ एग्जाम टिप्स जो मैंने आपको देने के लिए कहा है मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले तो आपका 4 सेक्शन है, इंग्लिश है, साइंस है, मैथ है और फिर जो है GK है। तो जहाँ तक मैं सुझाव दूंगा, 60 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन करने हैं, आपको सबसे ज़्यादा समय देना है जो है अपने इसी टाइम पर समय देना है क्वेश्चन को लेकर के। तो प्लीज़ अगर जहाँ तक मेरा सुझाव है, जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, तो सबसे पहले अपना लास्ट वाला सेक्शन कीजिएगा GK का, ठीक है। उसमें अपना टाइम बचाइएगा, फिर उसके बाद अपना इंग्लिश सेक्शन पूरा कीजिएगा, फिर उसके बाद साइंस, उसके बाद तब जाकर मैथ जो है टच कीजिएगा, आपको लास्ट में मैथ के लिए समय बच जाएगा, बेहतर करके आएंगे। और मैं आपको बता दूँ पासिंग मार्क्स इस बार नेवी ने नहीं बताया, लेकिन वही जो है पासिंग मार्क्स पर सेक्शन का 4 से 5 नंबर रखा जाएगा, लेकिन कट ऑफ जो है दूसरा रहेगा, आपको पता ही है कट ऑफ जो है स्टेट वाइज आपका जाएगा। तो मेहनत कीजिएगा, सबसे बेस्ट करके आइए, सबसे हाई स्कोर करके आइए। सो बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक्स टू ऑल, जाइए और बेहतर करके आइए। धन्यवाद।